हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजल बहुत अच्छी हूँ। सो आज है फ्राइडे और आज का व्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट बहुत ही सुबह से, क्योंकि आज हमारे घर पे आने वाले हैं मेरे सासूमा और ससुर जी। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था, इसलिए बहुत सारा काम है, बहुत कुछ खाना वगैरह बनाना है। ऑब्वियसली मेरी सासूमा काफ़ी दिन बाद आ रही है, ऑलमोस्ट एक साल बाद हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो कुछ तो अरेंजमेंट तो पहले से करना ही पड़ेगा ना। तो मम्मी अकेला तो इतना संभाल नहीं पाएगी, इसलिए मैं भी आज बहुत जल्दी नींद से उठ गई हूँ और नहा धा के बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग काम, और पहले हम लोग आज करने वाले हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में देखते हैं, मम्मी शायद पूरी वूरी कुछ बनाएंगी और उसके साथ कुछ एक सब्जी भी बनेगी, और उसके बाद मेरा पैकिंग भी ऑलमोस्ट हो गया है। थोड़ा सा लास्ट मोमेंट का पैकिंग जो है वही अभी बचा है जो कि करना है, और बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है, आप देख सकते हो, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी शायद सुबह 7:30 बज रहा है, बाहर बिल धूप तो है ही नहीं, बहुत ज़्यादा फॉग है, इसलिए पर्दा वर्दा सब कुछ हम लोग बंद करके रख रहे हैं। नहीं तो बाहर से इतना ज़्यादा ठंड, वो हवा और फॉग अंदर आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो दिन के सुबह के टाइम पे भी हम लोग रूम पे हम लोगों को लाइट जला के रखना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर पूरा अंधेरा अंधेरा सा छाया हुआ है। तो चलिए अभी काम स्टार्ट करते हैं। सुबह का जो बेसिक्स काम है वो लोग निकल गए हैं ऑलरेडी, या फिर हाँ वो लोग निकल ही गए हैं, मैंने कॉल नहीं किया था, मुझे एक बार कॉल भी करना होगा, शायद निकल गए हैं, क्योंकि 7:30 वो लोग निकलने वाले थे। तो चलिए जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करते हैं, फिर मम्मी पापा आ जाएंगे, उसके बाद फिर उन लोगों से मिलाते हैं। और अभी आ गए हैं मम्मी और पापा लंच टेबल पे। तो ये देखिए, ये है आज हमारा लंच, पापा भी बैठ गए हैं, मम्मी भी यहाँ पे है। मैं थोड़ा दूर जाके दिखाती हूँ, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगा। तो सब लोग बैठ गए हैं, और खाओ खाओ, मैं खाती हूँ। दादा हाय बोला था, एक बार बोलो हाय हाय। आगे वीडियो तो बाबा को भलो कथा बोले छिलो, खाओ खाओ खाओ, ठीक है। तो खा रहे हैं, खा रहे हैं, तो ठीक है, चलिए खाना खाने देते हैं उन लोगों को, फिर बात करते हैं थोड़ी देर बाद। चावल के साथ है साग, और उसके साथ एक मिक्स वेज भी है, और पत्ता गोभी की सब्जी है, और आलू और प्याज के लिए बोलते हैं ना, जिसको प्याज का पत्ता बोलते हैं, वैसा एक फ्राई भी है। और यहाँ पे है हिलसा मछली, हिलसा मछली को मम्मी ने खसखस और मस्टर्ड सीड को पेस्ट बना के यहाँ पे एक कड़ी या थोड़ा सा हल्का ग्रेवी जैसा कुछ बनाया है। और यहाँ पे है गर्मा गर्म चावल। मतलब मैं जा रही हूँ मेरे सासूमा और ससुर जी के साथ मेरे ससुराल, और फिर मिलेंगे मेरे मायके ब्लॉग में कुछ ही दिन बाद। तब तक के लिए बोलो गुड बाय। मेरे बहन का बहुत ज़्यादा मन खराब है, मैं जा रही हूँ, ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जा रही हूँ ना, 2 से 3 दिन के लिए जा रही हूँ। चलिए मन खराब कर मैं एकदम, तो आपको नहीं आसबो कदम पड़े, मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊंगी। तो चलिए अभी निकलते हैं, फिर मिलते हैं ससुराल जाके, बस 2-2.5 घंटे में ससुराल पहुंच जाएंगे हम लोग। सो आ गई हूँ मैं फाइनली मेरे ससुराल, और अभी रात हो गई है, ऑलमोस्ट काफ़ी रात हो गई है इवन, क्योंकि रास्ते में जैम मिली थी हमें 2 से 3 जगह पे, बहुत ज़्यादा जैम था, जैम में हम लोग फंसे थे ऑलमोस्ट 1/2 घंटा 40 मिनट, ऑलमोस्ट 1 घंटा इस पकड़ के चलिए आप लोग। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रहा है, और आज काफ़ी दिन बाद मतलब ऐसे इतना लॉन्ग ड्राइव में ना मुझे तबीयत ख़राब होने स्टार्ट हुआ था। घर आके एक बार मैंने पूरा बॉडी वगैरह अच्छे से वॉश करके, कपड़ा
कपड़ा वगैरह सब कुछ आके ही मैंने टांग दिया है। मैं अपने ससुराल में, ससुराल का जो होम टूर का ब्लॉग मैंने बनाया था उसमें मैं हमारे बैल्कनी दिखाना भूल गई थी, तो ये रहा हमारा बैल्कनी। आज मुझे अचानक से याद आया क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने कमेंट करके बताया कि क्या तेरे रूम में कोई बैल्कनी नहीं है, तब मुझे याद आया कि हाँ मैंने तो बैल्कनी दिखाना ही भूल गई थी होम टूर में, तो आज मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स है वो लोग शायद नोटिस किए होंगे कि उस ब्लॉग में मैंने सच में बैल्कनी नहीं दिखाया था, तो और जो लोग नए व्यूअर्स हैं तो वो लोग भी एक बार जाके मेरे चेक कर लेना, ससुराल वाला होम टूर का ब्लॉग और मेरे मायके वाला होम टूर का ब्लॉग, इवन मेरा नोएडा वाला होम टूर का ब्लॉग भी एक बार चेक कर लेना। तो ये मेरा बेडरूम है, बेडरूम तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था कि ये है मेरा बेडरूम। पूरा ही मैंने एक बार जल्दीबाजी में मैंने एक बार दिखा दिया आप लोगों को, जो लोग नहीं देखे हैं ना, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा रूम, तो उन लोगों के लिए एक बार मैंने पूरा रूम बहुत ही जल्दी से मैंने दिखा दिया। बेड और अलमीरा और वहाँ पे एक कॉर्नर पे ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पे, और कुछ टेडीज, और यहाँ पे एक सोफा है, तो ये सब है। तो ये है मेरा रूम, और मेरे रूम से इस तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे है मेरा हमारा रूम का बैल्कनी, लेकिन ये ओपन बैल्कनी नहीं है क्योंकि धूल, यहाँ पे रोड है ना नीचे, तो गाड़ी वगैरह जाती है ना तो बहुत ज़्यादा धूल ऊपर आ जाती है, तो इसीलिए पापा ने पूरा ग्लास विंडो टाइप का करके पूरा लॉक कर दिया है ताकि यहाँ पे इतना धूल वगैरह ना हो, नहीं तो फिर ना मम्मी हो या फिर मेड हो डेली पोछा करते करते ना वो लोग बोर हो जाते हैं। तो ये है बैल्कनी, बैल्कनी भी हमारा काफ़ी बड़ा है, अगर ये बैल्कनी अगर ओपन होता ना तो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता, पूरा शो ही इसका बढ़ जाता। और रात को खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि घर पे तो आप लोगों ने देख ही लिया, लंच बहुत ही ज़्यादा हेवी हो गया था, और उसके बाद फिर हम लोग गए थे मेरी दादी माँ से भी एक बार मिलने, उनका हाथ टूट गया है ना, मैंने बताया था एक ब्लॉग में, तो वहाँ पर जाके भी बहुत कुछ उन लोगों ने खाना मिठाई वगैरह ये सब दे दिया था, पेट एकदम फुल है और ऊपर से तबीयत भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए आज रात को कोई भी और कुछ नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगी और मम्मी पापा भी कुछ नहीं खाएंगे, तो हम लोग आज ऐसे ही सो जाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, और उसके साथ साथ तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब कर रहा है क्योंकि मैं उठी भी थी सुबह बहुत जल्दी ना इसीलिए। तो चलिए आज के लिए आज का ब्लॉग यहीं तक, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हाइजीन रहिए और हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।